स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन और रोज की तरह आया हूँ आज भी आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। तो चलते हैं, पहले हेडलाइन देखते हैं रोज की तरह। पहला है, सानिया शोएब में तलाक हो सकता है, पाकिस्तानी मीडिया का दावा। दोनों अलग रह रहे हैं, शोएब धोखेबाज, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का दावा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। और दूसरा है, राशन कार्ड सरकार ने दिया बड़ा झटका, रद्द होंगे लाखों राशन कार्ड, तैयार हो गई है पूरी लिस्ट। ये विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। और एक है, राजस्थान में 3531 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला, सानिया और शोएब वाले कांड से। कांड तो नहीं बोला जा सकता है, ये दुखभरी चीज़ है, पर स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अच्छा लगता है तो शेयर भी करें अपने दोस्त और फैमिली तक। सानिया शोएब में तलाक हो सकता है, पाकिस्तानी मीडिया का दावा। तो देखते हैं क्या है दावे की के बारे में। फोटो जैसे आप लोग देख रहे हैं, इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, पाकिस्तानी क्रिकेट शोएब मलिक तलाक की तैयारी कर रहे हैं, ये दावा पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शोएब ने सानिया को धोखा दिया है और दोनों अलग अलग रह रहे हैं। हैदराबाद में 12 अप्रैल 2010 को सानिया और शोएब की शादी हुई थी। 15 अप्रैल को रिसेप्शन लाहौर में दिया गया था। दोनों का एक बेटा है जो कि 2018 में हुआ था। और 12 साल बाद शोएब और सानिया तलाक की आशंका जाहिर की जा रही है। इससे सानिया की सोशल मीडिया पोस्ट और ज़्यादा हवाला मिल रहा है। सानिया ने लेटेस्ट पोस्ट में लिखा, जो भी उनकी दिल की बात थी उन्होंने उस पर लिखा है, हम अपना ट्वीट आपको दिखाएंगे नीचे। शोएब ने भी लिखा है कि हम भले साथ ना रहें, तो इसका सीधा मतलब है, और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है तो कुछ तो बात होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये ट्वीट्स हैं, और इन लोगों का प्राइवेट फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हो रहा है आजकल। पाकिस्तानी जो मेन मुद्दा है, देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया, वजह बताई, शोएब ने सानिया को धोखा दिया। कहा जा रहा है कि शोएब का पहले भी एक शादी हो चुका था, जो कि देखिए फ़ोटो यहाँ दिख रहा है। और सानिया मिर्जा को झूठ बोल के उन्होंने शादी, दूसरी शादी रचाई है। तो कितना सच्चाई है इसके बारे में रिपोर्ट्स जैसे जैसे खुलते जाएगा न्यूज़ तो आएगा ही सामने। अभी तक कितना ही पता है, बाकी रिपोर्ट्स आने पे हम आपको बताएंगे, और भी जो भी इसके बारे में जानकारी होगी हम ज़रूर बताएंगे आपको। पर भगवान ना करे ऐसा हो, ये झूठाई खबर हो तो अच्छा है। खैर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राशन कार्ड सरकार ने दिए बड़ा झटका, रद्द होंगे लाखों राशन कार्ड, तैयार हो गई है पूरी लिस्ट। तो राशन कार्ड रद्द क्यों होंगे इसके बारे में जानते हैं। यहाँ मेन मुद्दा है, 10 लाख राशन कार्ड होंगे रद्द। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अगर आप भी राशन कार्ड होल्डर हैं तो जल्द ही आपका राशन कार्ड रद्द होने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में लाखों लोग राशन कार्ड को कैंसिल किया जाएगा और देश के लोगों को राशन फ्री राशन की सुविधा नहीं मिलेगी। अब किन लोगों को नहीं मिलेगी फ्री राशन की सुविधा, इसके बारे में जानते हैं। सरकार ने बताया कि देश में करीब 10 लाख लोग फर्जी तरीके से फ्री राशन वाली सुविधा का फायदा ले रहे हैं। इन सभी लोगों को राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। करीब 10 लाख लोगों के राशन कार्ड को चिन्हित किया गया है, इन कार्डों को जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए लिस्ट तैयार कर ली है। तो ये सही है, अगर जो एलिजिबल नहीं है, जो फ्री राशन के पात्र नहीं हैं, उनको नहीं दिया जाना चाहिए, और सरकार इस पर जल्द से जल्द नियम ला भी रही है और करना भी चाहिए। डीलर्स के पास भेजी जाएगी लिस्ट, आप देख सकते हैं। सरकार ने बताया कि जो पात्र लोग हैं उनकी पूरी लिस्ट डीलर्स के पास भेज दी जाएगी। इसके बाद डीलर्स इन लोगों का राशन नहीं देंगे, डीलर्स नाम चिन्हित कर ऐसे कार्ड धारकों को रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजेंगे, इसके बाद उनका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर जो लोग समृद्ध हैं और राशन कार्ड लेने के पात्र नहीं हैं, फ्री में राशन कार्ड लेने के पात्र नहीं हैं, तो उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। चलते हैं अगले न्यूज़ पे, देखते हैं इस पे और अगर कुछ नया आएगा तो ज़रूर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और आखिर में एक सरकारी नौकरी के बारे में, जैसा कि मैं रोज़ लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। राजस्थान में है 3531 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो रहा है, पूरा प्रोसेस देखते हैं क्या है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से निकाली गई सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में यह भर्ती
कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 3531 पद भरे जाने हैं। मैंने शुरू में बोला था सरकारी नौकरी, पर ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जा रहा है। और जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो वेबसाइट दिया गया, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, इस पे जाके आप लोग आवेदन कर पाएंगे और 7 दिसंबर तक आप कर पाएंगे आवेदन। 7 दिसंबर 2022 इसकी भर्ती के लिए परीक्षा फरवरी 2023 में प्रस्तावित है। 2023 में आपको एग्ज़ाम दिया मिलेगा सरकार। तो और आवेदन फीस देख सकते हैं, 250 रुपये है। ये है SC ST और OBC के लिए, और सामान्य के लिए 450 रुपये होंगे। और आप अगर कैंडिडेट्स की आयु की बात करें तो 21 साल होनी चाहिए मिनिमम, और अधिकतम 40 साल रखी गई है। सैलरी 25,000 रुपये महीना मिलेगा, ठीक ठाक सैलरी है। जो भी आप लोग जो भी ये जॉब लेना चाहें उसके बारे में मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्वालिफिकेशन की क्या बात रखी गई है, पर कहीं दिख नहीं रहा। फिर भी आप इस पे आप ये जो वेबसाइट दिया गया है जिसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप लोग इस वेबसाइट पे जाके पता कर पाएंगे। ये दो वेबसाइट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल, नमस्कार।